कंपैरेटिव मेथड के थ्रू या कंपैरेटिव सिस्टम के थ्रू एम्प्लॉयज को एक और तरीके से भी अवैल्यूएट किया जाता है, जिसे हम फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बेसिकली फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयज को फोर्सफुली एक खास कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जो कि बेस्ड होता है एक प्री डिफाइंड कोटा के ऊपर। अब ये प्री डिफाइंड कोटा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कहें कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही एम्प्लॉयज जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मर कहलाएं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो, या ऐसा भी नहीं है कि हम सारे ही एम्प्लॉयज को एक्सप्लेनेशन कॉल कर लें ऑन शोइंग पुअर परफॉर्मेंस, तो हमें कुछ बीच का रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। और वो ये है कि जी, हमारे जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उनमें से 10% जो हैं उन्हें हम बेस्ट एम्प्लॉय कह सकते हैं, और 20 को ऐसे हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ पुअर परफॉर्मर, या जिनको एक्सप्लेनेशन कॉल की जा सकती है, या जो टर्मिनेशन या डिमोशन की तरफ जा सकते हैं। और जो मेजर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होगा, जो कि रिमेनिंग रह जाते 70%, वो हमारे एवरेज होंगे। ये अक्सर ऑर्गेनाइजेशन इसको प्री डिफाइंड डिसाइड कर लेती हैं कि हम इस लेवल पे करेंगे, और वो देख लेते हैं कि जी, जितने आपका बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्मर्स हैं, वो जितने भी हों, उसका हम कोटा 10% ही रखेंगे। 10% एम्प्लॉयज ही सिर्फ उस ग्रुप में जा सकते हैं, और पूरे परफॉर्मर्स में से 20% ही हैं जिनको हम एज अ पुअर परफॉर्मर ग्रेड करेंगे, या जिनसे हम एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं। तो एक प्री डिफाइंड कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, और इस बेसिकली जो अवैल्यूएशन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन एक बेल चार्ट से की जाती है, जो हमारे यहाँ स्टार्ट्स में भी बहुत यूज होता है। हम उसे देख लेते हैं कि किस तरीके से जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब अगर आप ये ग्राफ देख लें, एक बेल चार्ट है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि आपके जो ग्रीन में है वो हाई परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो उसकी जो शेयर है वो भी लो है, और जो रेड में है वो पुअर परफॉर्मर्स है या अंडर परफॉर्मेंस है, वो भी जो शेयर है वो लो है, और जो मेजोरिटी है वो एवरेज परफॉर्मर्स पर है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज शोइंग दैट एवरेज नंबर ऑफ पीपल आर परफॉर्मिंग एट द सेटिस्फैक्ट्री लेवल। उसमें से कुछ जो हैं वो बहुत एक्सेप्शनल हैं, और कुछ हैं ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस में इश्यूज हैं, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। सो इन दिस मैनर जो कंपैरेटिव सिस्टम है, या एम्प्लॉयज को एक दूसरे के कंपैरिजन में इवैल्यूएट किया जा रहा है, वो एज इन अ ग्रुप अवैल्यूएट किया जा रहा है थ्रू अ फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, जिसके थ्रू एम्प्लॉई बिहेवियर्स को मेजर किया जाता है, एक तो है कंपैरेटिव मेथड, जिसको हमने पहले भी डिस्कस भी किया है। एक है एब्सोल्यूट मेथड, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि एम्प्लॉई को उसकी अपनी कैपेसिटी, स्किल सेट और नॉलेज की बेस के ऊपर अवैल्यूएट किया जा रहा है विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। उसमें एक मेथड आता है एसे मेथड। ऐसे से साफ पता चल रहा है कि इट इज समथिंग लाइक अ स्टेटमेंट फॉर्म। इसमें कोई ग्रिड नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं है, कोई क्लोज एंडेड चॉइस नहीं है, कोई येस नो नहीं है। एक डिस्क्रिप्शन है जो जिसमें सुपरवाइजर ओपनली इन एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट लिख सकता है एज एन एसे फॉर्म कि जी, एम्प्लॉई की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने लो परफॉर्म किया। और इस एसे में सिर्फ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस या गुड और बैड परफॉर्मेंस ही नहीं डिस्कस की जाती, इसमें इवन सजेशंस भी दिए जा सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस गैप्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाता है। मेन चीज इसकी यह है कि एसे में कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई टेबुलर फॉर्म या कोई ऐसा स्केल नहीं है कि इसके अंदर रहते हुए आपने एम्प्लॉय को ग्रेड करना है। एक सब्जेक्टिव मेथड है, जिसमें सुपरवाइजर ने सब्जेक्टिवली एक ऐसे फॉर्म या एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स के थ्रू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट किया है। इसकी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि ऐसे स्टाइल में परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो किस तरह से हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डेवलपिंग पीपल, ये क्राइटेरिया है। इसके आगे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड एग्जांपल्स, और कोई स्केल नहीं है, कोई फिक्स्ड 1, 2, 3 एवरेज पुअर गुड नहीं है। इसमें कोई भी वो ऐसे टाइप स्टेटमेंट सुपरवाइजर लिख सकता है, प्लानिंग में एम्प्लॉय की कैसी परफॉर्मेंस थी, ऑर्गेनाइजिंग के मामले में एम्प्लॉय कैसा था, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सो ऑन, कि वो एम्प्लॉय इन क्राइटेरिया पे कैसा था। अगर आप अगला सेक्शन और कॉलम देखें तो उसमें इम्प्रूवमेंट प्लान भी मेंशन है, कि जहां पर वो एम्प्लॉय की एनालिसिस करेगा, और अगर कोई परफॉर्मेंस गैप कुछ मेंशन आ रहा होगा उसमें, तो उसके अगेंस्ट वो एक इम्प्रूवमेंट प्लान भी मेंशन कर सकता है। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच एक
एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, और अगर आप इसमें नोट करें तो कोई कंपैरिजन किसी और एम्प्लॉय से नहीं किया गया।